हेलो गाइस, मेरा नाम है तरुण मलिक और स्वागत है आपका मेरे चैनल के पहले ब्लॉग में। आज हम शुरुआत कर रहे हैं कार रिव्यूज़ की अपने चैनल पे। तो आज हम सबसे पहले आए हैं मर्सिडीज़ बेंज जीएलसी का रिव्यू करने के लिए। ये जो कलर है, ये इसका ब्रिलियंट ब्लू कलर है। ये कुछ इसका इंटीरियर है। इस गाड़ी का मॉडल नंबर है 220D फॉर्मेटिव प्रोग्रेसिव। तो चलिए इसका रिव्यू शुरू करते हैं। ये कुछ इसका इंटीरियर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये इसमें थाई सपोर्ट के लिए थोड़ा ये भी दिया हुआ है। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ये थोड़ा इंटीरियर आप देख लीजिए। अब हम बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर। तो स्टीयरिंग में जो कंट्रोल्स होते हैं, इसको थोड़ा चेंज किया गया है नए मॉडल में। और ये ड्राइवर साइड मिरर विद लाइट्स और ये जो बीच का ग्लव बॉक्स है, आर्म रेस्ट होता है, ये बीच में से खुलता है बटन दबाने से। पहले वाले में ये बीच में से नहीं खुलता था। और ये बोतल होल्डर और ये इसके टच पैड कंट्रोल स्क्रीन के लिए। इसमें एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो सब कुछ इनेबल है। ये इसका ग्लव बॉक्स जो काफ़ी स्पेशियस है। और ये इसके विंडो के कंट्रोल्स एंड लाइट्स कंट्रोल और पावर ऑन ऑफ बटन इधर दिए हुए हैं। ये कुछ इसका लुक आ रहा है। अब चलिए चलते हैं बाहर और देखते हैं इसको बाहर से थोड़ा। अब हम पीछे बैठ के देखेंगे। आगे की जो सीट है वो मेरी हाइट 6 फुट 3 इंच है, तो मैंने अपने हिसाब से सेट करी हुई है। लेकिन उसके बाद भी मेरे पीछे बैठ के पूरे पैर आ रहे हैं। ये बैक की आर्म रेस्ट और इसमें दो गिलास रखने के लिए ग्लास होल्डर दिए हुए हैं। रियर एसी वेंट, पैनोरामिक सनरूफ है इस गाड़ी में जो पूरी पीछे आगे दोनों तरफ से खुलती है। ये पीछे से कुछ इसका व्यू आ रहा है। ये थोड़ी स्टोरेज पीछे भी दी हुई है अपना फ़ोन चार्जिंग वगैरह लगाने के लिए। ये अपना लैपटॉप वगैरह रखने के लिए थोड़ी स्टोरेज दी गई है इसमें। अब इसकी डिग्गी देखते लें। इसको जो इसकी स्टेपनी का टायर आता है, वो इसमें डिग्गी में नीचे की तरफ दिया गया। पहले जो गाड़ी आती थी उसमें डिग्गी में रखा रहता था, तो वो स्टोरेज गिरता था। तो अब इस गाड़ी में 580 लीटर का बूट स्पेस है और इसमें बहुत सारी जगह है। और ये कुछ इसका बैक का लुक आया जो नया, थोड़ा बहुत लाइटिंग चेंज की गई है। इसकी लाइटिंग का नया डिज़ाइन है। इसमें GLC 220D की ब्रांडिंग आप देख सकते हैं। बात करते हैं टायर की, तो इसके जो अलॉय व्हील है वो नए वाला डिज़ाइन के अलॉय व्हील दिए गए हैं। टायर साइज़ की बात करें तो 235/55 R19 19 इंच के अलॉय व्हील इसमें दिए गए हैं। 7 एयरबैग्स आते हैं इस गाड़ी में और NCAP की 5-स्टार रेटिंग मिली हुई है इस गाड़ी को। ये कुछ इसका फ्रंट से लुक आप देख सकते हैं। इस गाड़ी में आपको 2000 cc का 4-सिलेंडर इंजन, डीजल इंजन देखने को मिलता है। 4x4 में ये गाड़ी आती है। ऑल व्हील ड्राइव बोल सकते हैं आप, ऑल व्हील ड्राइव या 4x4। ये कुछ इसका फ्रंट लुक देख सकते हैं। ग्रिल उन्होंने ज़्यादा चेंज नहीं किया, लेकिन ये लाइटिंग में जो LED और DRL दिए गए हैं ये नए हैं। ये इसके आप प्राइसिंग देख सकते हैं। 75 लाख के आसपास ये नोएडा में एक शोरूम इसका प्राइस पड़ता है, प्रोग्रेसिव 220D फॉर्मेटिक मॉडल का। ये इसका साइड लुक आप देख सकते हैं। बॉडी कलर के इसमें ORVM दिए गए हैं। इसको अंदर से इंटीरियर बाहर से खोल के देखते हैं। सीट के कंट्रोल्स आपको इसमें दरवाजे में दिए गए हैं। थाई सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है इसमें। ये कुछ इसकी आर्टिफिशियल लेदर की सीट्स हैं, बहुत ही कंफर्टेबल सीट दी गई हैं। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैडल शिफ्ट भी दिए गए हैं इसमें स्टेयरिंग में कंट्रोल गियर को चेंज करने के लिए। ऐसा कुछ इसका लुक है। ये इसका कलर है ब्रिलियंट ब्लू कलर की गाड़ी है। ये आप कुछ इसका लुक पीछे से देख सकते हैं। नए डिज़ाइन की बैक लाइट दी गई है इसमें। जो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको कोई गाड़ी का रिव्यू देखना है तो आप कमेंट डाउन करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।